मेरा नाम कन्हैया ताम्रकार है और मेरा काम सॉल्टेड पीनट का है। इसमें और भी वैरायटी है, हिंग जीरे का दाना भी है, हिंग जीरे का चना भी है, मूँगफली भी रखते हैं जो वर्षों से रखी आती है अपने यहाँ से। शुरू में पिताजी मूँगफली रखते थे, उसके बाद हमने आगे पीनट का काम शुरू किया था। तो उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई को स्टॉप करके इस काम पे अपनी एंट्री ले ली थी। करीब 25-30 बरस पिताजी के संग बैठ के काम किया है भाई। पिताजी को 80 बरस हो गए ये काम करते करते। शुरुआत मूँगफली से हुई थी, मूँगफली से उनने शुरुआत करी थी। और भी काम करते थे उनने, चूड़े का ही काम किया था, पर उनको मूँगफली में ज़्यादा दिलचस्पी रही। तो उनको भी खुद को ही पसंद थी, खुद को भी पसंद आती थी चीज़, और उनको बेचने में मज़ा आता था, इसलिए उनको शुरुआत की वजह उनकी रुचि रही। जगह जही थी, जही परमानेंट जगह थी, जो पहले टाउन हॉल था। जिस टाइम पिताजी ने बैठने की शुरुआत की थी उस टाइम जो टाउन हॉल था, काफ़ी समय पुरानी बात है। उनने मुझे वो बताया नहीं, सन का तो नहीं बता पाए, पर मुझे बताया था जी पहले टाउन हॉल था, जो दोबारा फिर रीगल टॉकीज बना, और रीगल टॉकीज के आप ये दोबारा टाउन हॉल बना। पढ़ाई 12th के बाद स्टॉप कर दी थी, साल का मेरे को कंप्लीट ध्यान नहीं है। तो मैं काफ़ी समय से बैठ रहा, पहले मैंने बाहर नौकरी भी की दूसरे की दुकान पर, उसके बाद अपने पापा के संग बैठना शुरू कर दिया था। पहले शुरुआत में जब पिताजी बैठते थे तो टाइमिंग ज़्यादा थी, करीब 12 घंटे की टाइमिंग थी, 10:30 से 10:30। उस दौरान जहीं पे माल चलता था, जहीं पे हम सेल करते थे, और ग्राहक जब आता था तो उसको दो दाने जरूर दिए जाते थे उसके टेस्ट के लिए, कि उसको टेस्ट समझ में आए कि चीज़ कैसी है और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ग्राहक जब टेस्ट करता था तो उसको जायका वाह काफ़ी परफेक्ट लगता था, तो उस चीज़ को वो लेता था। और तब से लेकर अब तक ग्राहक ने कभी भाव का मैटर नहीं रखा, भाव जो भी रहा पर ग्राहक ने है ना चीज़ लेना पसंद करी अच्छी। खासकर वाले ग्राहक काफ़ी दिलचस्प है खाने का पीने के मामले में, वो चीज़ अच्छी पसंद करता है, और उसको रेट से ज़्यादा वो नहीं रहता, उस चीज़ अच्छी चाहिए। और ये नया ट्रेंड बन रहा है कि उसको एक नई वेराइटियाँ भी चाहिए। नई वेराइटी के तौर पर अपन ने हिंग जीरे का दाना, हिंग जीरे का चना इंट्रोड्यूस किया, और आगे वाले समय में और भी कोई नई चीज़ जरूर करेंगे जो और अच्छा पसंद आए। जी हमारा ट्रेंड बना हुआ है शुरू से दाने चकाने का। अभी कोरोना के दौरान जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये ट्रेंड, पर दोबारा से इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ मैं उसको। कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि मतलब एक दूसरे के पास हाथ दें और फिर अपने रिवर्स लें उस हाथ को, पर उस दूसरे को दें, तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। कुछ ग्राहकों की डिमांड थी कि नहीं दिया करो, तो थोड़ा उनकी बात को भी रखते हुए थोड़ा सा कम करा हमने, पर बंद नहीं किया, चालू है, आने वाले समय में उसको और इम्प्रूवमेंट दे देंगे। अधिकारियों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, उनने थोड़ी बहुत उनने कही कि थोड़े समय के लिए आप बंद रख लो, कोई CM आते हैं या कोई बड़ा लेवल का अधिकारी PIB मूवमेंट होती है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हमें जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी अधिकारियों ने कभी भी है ना ये नहीं कही कि मतलब आप दुकान बंद करिए, यहाँ से हटिए, कभी नहीं कही। तो वो हमारे पर्सनल ग्राहक हैं खुद, उनको एक चीज़ मिलती है जायकेदार चीज़ जो कोर्ट तक में खाई जाती है मूँगफली, और कोर्ट के ग्राहक भी मेरे पास आते हैं, हाई कोर्ट के ग्राहक आते हैं, वो कहते हैं यार ये तो चीज़ यार नॉर्मल है, सब जगह चलनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और आप साफ़ सफाई से बैठते हो, इसमें भी कोई अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप घर में ही माल तैयार करके लाते हो और जहाँ पर आप सेल करते हो, आप सफाई का भी ध्यान रखते हो और हाइजीनिक भी हो, तो उस चक्कर में कोई अधिकारी हमें किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं देता।